टमाटर का इस्तेमाल ऐसे कर लो, सिर्फ 5 मिनट में गायब हो जाएगा आपकी कोहनी और घुटनों का कालापन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह काफ़ी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्या आपकी भी कोहनी और घुटने काले हो चुके हैं, उनमें टैनिंग हो चुकी है जो आपके बॉडी पार्ट से बिल्कुल अलग दिखते हैं? इस कालेपन की वजह से ना तो आप स्लीवलेस क्लोथ्स पहन पाते हैं ना ही शॉर्ट ड्रेसेस। तो ऐसे में हम सलाह देते हैं कि भाई आप कहीं ना जाएं, क्योंकि सोल्यूशन आपके घर में ही है, किचन में है। जी हाँ, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। कैसे आप टमाटर की हेल्प से अपनी बॉडी पर होने वाले डिस्कलरेशन को, कालेपन को ठीक कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर हमने लेना है टमाटर, क्योंकि टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी पाया जाता है। मोस्टली मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि विटामिन सी आपके स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपकी स्किन पर चमक तो बनाए रखता ही है, साथ ही आपकी स्किन से डेड स्किन को भी हटाता है, टैनिंग को भी हटाता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ई मौजूद होता है, जो आपकी स्किन से सबसे ऊपरी सतह, जो आपकी धूप से टैनिंग हो जाती है, काली पड़ने लगती है स्किन, उसको निकालकर विटामिन ई आपकी स्किन को, असली त्वचा को जो है निखार देता है। इसके अलावा जो टमाटर के अंदर जो वाटर होता है, जूस जो होता है, उसके अंदर ब्लीचिंग क्वालिटीज भरपूर मात्रा में होती है। तो यहाँ पर हमने टमाटर लेना है और उसको बीच में से कट कर लेना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया टमाटर इतनी सारी क्वालिटीज से भरपूर होता है, देन इसके बाद आप इसमें एक छोटा चम्मच ऐड करेंगे हल्दी। यहाँ पर आपको ऐड करनी है कस्तूरी हल्दी। आपको किचन वाली हल्दी जो यहाँ पे स्किप करनी है। कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, आपकी स्किन पर निखार लाने के लिए कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो एक छोटा चम्मच हल्दी का लेकर आप टमाटर के टुकड़े के ऊपर इसको छिड़कना है आपको। तो दोनों टुकड़ों में आप अच्छे से इसको छिड़क देंगे। देन इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा पाउडर। जितना आपने हल्दी ली थी उतना ही आपको बेकिंग सोडा पाउडर लेना है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक ब्लीच में अवेलेबल होता है, जो आपकी स्किन से सन टैन को हटाता है, ऑयल स्किन को हटाता है, साथ ही सालों साल पुराने कालेपन मैल को भी हटाता है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आपके स्किन पर कभी भी इन्फेक्शन नहीं होने दे सकते। तो आपने दोनों चीज़ों को है छिड़क देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नाइफ की हेल्प से टमाटर के अंदर जो है कट लगाने हैं। एक नाइफ ले लेंगे आप और टमाटर दोनों के टुकड़ों में जो है आप कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद आप जैसे अपने घुटनों पे और कोहनी पे अप्लाई करेंगे। आपको क्या करना है, एक टुकड़ा लेना है और इससे रबिंग करनी है अपने घुटनों पे, कोहनी पे, और आप किसी भी बॉडी पार्ट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका यूज़ अपने फेस पर जो है यहाँ पर नहीं करना है। आपको एक टुकड़ा लेना है टमाटर का और इसको रगड़ना है। 5 से 10 मिनट तक आप इसको रगड़ेंगे, जितना भी मैल टैनिंग होगी आपकी निकल जाएगी, सिर्फ 5 मिनट में ही निकल जाएगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं मैंने अपने हैंड पर इसको रबिंग करी है, वैसे आपको इसको रबिंग करनी है। और 5 से 10 मिनट तक रबिंग करने के बाद टैनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और कालापन भी चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी फिंगर से कालापन बिल्कुल चला गया है, पूरी तरह हाथ मेरा साफ हो गया है। और दूसरा हैंड आप देख सकते हैं कितनी टैनिंग हो रखी है दूसरे हैंड में, क्योंकि मैंने इस पर ये अप्लाई नहीं किया है। तो डिफरेंस आप जो है देख ही सकते हैं। अगर आप इसे रोज़ अप्लाई नहीं कर सकते तो आप जो है इसे वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करें। आपके कोहनी घुटने का कालापन तो जाएगा ही जाएगा और आपकी जो बॉडी पार्ट्स है वो भी चमकने लगेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप भी जो है इसको ट्राई करें। एंड तो ऐसे ही अमेजिंग रेमेडीज देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली रोज नई अमेजिंग रेमेडीज की नोटिफिकेशन पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।